नमस्कार, सलाम, मैं आकिब रजा न्यूज प्लस से। यूपी में मानो वायलेंस रुकने का नाम नहीं लेता कानपुर वायलेंस आप सबसे रूबरू है। जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। आज की हेडिंग स्टोरी, हिंसा को लेकर योगी सरकार पर भड़का विपक्ष, जाने अखिलेश यादव और मायावती ने क्या दी प्रतिक्रिया, इस पर आज पूरी बात करेंगे। कानपुर से हिंसा वायलेंस को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और मायावती समेत कई नेताओं ने सरकार को घेरा है। दरअसल पूरा मामला बात करेंगे। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। इस दौरान दो समुदायों के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालात को देखते हुए उन इलाकों में स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अब इस मामले में विपक्ष को एक बार फिर सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले पर विपक्ष की ओर से सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाए, हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील। दरअसल पूरा मामला है, भाजपा की कार्यकर्ता हैं जो कि एक टीवी डिबेट के दौरान अपनी राय, अपनी ओपिनियन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये तय किया कि हम उनके विरोध में अपनी काम और अपनी दुकानों को जुमे के दिन बंद रखेंगे। इस मामले को देखते हुए उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट निकालने की घोषणा करी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उनको निकालने से रोक दिया, जिस पे मामला जो है भड़क गया और पथराव चालू हो गई। जयंत चौधरी का भी कसा तंज, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी सरकार पर निशाना साधने में नहीं चुके। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कानपुर के कुछ लोगों ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर में जमीन खरीदने की सपने देखे होंगे, लेकिन आप देश कश्मीर और कानपुर में इतनी मजबूत सरकार है कि कानपुर वासियों को कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि हिंसा के समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में ही मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आकिब रजा, आप देख रहे थे न्यूज प्लस। अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।